चंगमदीदा ने मन जिन लोगों के पास फाइलें मौजूद है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, पिंडी स्लब आती है दोनों में, चाहे पार्क सिटी है, गुलबर्ग ग्रीन है, यूनिवर्सिटी टाउन है, एनीथिंग कहीं की भी फाइल मौजूद है और वो फाइल बैलेटेड है और ऑल ड्यूज क्लियर है। डीएचए की बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं बैलेटेड ऑल ड्यूज क्लियर, बैरिया टाउन की बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं बैलेटेड है ऑल ड्यूज क्लियर है, गुलबर्ग ग्रीन की है, पार्क सिटी की है, आप बाकी चीजों को जो छोटे मोटे हम जैसे गरीब लोगों के लिए प्रोजेक्ट है ना, 5 मरले के 25-30 लाख वाले, उनको छोड़ देते हैं। मैं जरा बात करता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट की जिनमें एग्जिस्टिंग प्लॉट करोड़ों रुपए के हैं, जैसे पार्क सिटी में 5 मरले का प्लॉट सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए का पोजेशनेबल प्लॉट, उसकी भी फाइल है ओवरसीज की, वैलिडेटेड है, नंबर लगा हुआ लेकिन प्लॉट नहीं मिला। गुलबर्ग ग्रीन्स पोजेशनेबल प्लॉट करोड़ों रुपए के हैं लेकिन फाइलें लोगों के पास है जिनका पोजेशन नहीं मिला। डीएचएस पोजेशनेबल प्लॉट करोड़ों रुपए के हैं, फाइलें हैं, पोजेशन नहीं मिला। इसके साथ साथ बैरिया टाउन भी है। अब जिनके पास ये फाइल्स मौजूद है ये वीडियो जरूर देखें। एक बात लिख ले मेरी करंटली, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन आई एम रिसर्च की बेस पे बात कर रहा हूं, रिसर्च और एक्सपीरियंस की बेस पे। अगर आपके पास कोई फाइल मौजूद है और उसे प्लॉट नंबर लगा हुआ है ऑल ड्यूज क्लियर है, आप अभी करंट हालात में तो उसको किसी सूरत ना बेचें। करंट हालात में आप किसी सूरत उस फाइल को मत बेचें क्योंकि वो आपको हैवीली लॉस दे, चाहे प्रॉफिट में बिके या माइनस से बिके या लेवल में बिके, वो ओवरऑल अपनी कैपेसिटी के को मद्देनजर रखते हुए आपको लॉस दे जो उसमें कैपेसिटी है। ऐसी तमाम तर फाइल जो कि इनकी बड़े प्रोजेक्ट की फाइल है, इनमें आपको प्रॉफिट तब ही जनरेट होने वाला है जब ये सोसाइटियां पोजेशन देंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सोसाइटियां पोजेशन ना दें, गुलबर्ग ग्रीन में जो फाइल्स हैं उनका पोजेशन ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। और पोजेशन इसलिए नहीं मिल रहा होता, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि सोसाइटी के पास या तो लैंड नहीं होती या लिटिगेशन में होते हैं या डेवलपमेंट स्लो ही होती है या डेवलपमेंट करके भी उनके पास अभी पोजेशन यूटिलिटी देने की कोई ना कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो दे, वरना वो दे। ये 4-5 ऑप्शंस होती हैं, 4 से 5, और ज्यादातर जो ऑप्शंस आती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि सोसाइटी ने जो फाइलें आगे के लैंड की भेजी होती हैं वो क्लियर नहीं होती, बेची होती है फाइलें, ऑल ड्यूज क्लियर भी हो जाती है लेकिन लैंड ही क्लियर नहीं होती। जब तक लैंड ना क्लियर हो वो प्लॉट नहीं दे सकते, दैट इज द रीजन, वो प्लॉट नहीं दे सकते इसलिए आपको प्लॉट नहीं मिलता। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर अपनी फाइल बेचते हैं तो आप बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, यू आर इन ह्यूज लॉस, क्योंकि आपकी वो सारी की सारी मेहनत जाया हो जाती है जो शुरू दिन से आपने अभी तक आते वक्त की होती है, जो अपने इंस्टॉलमेंट जमा कराई होती है। बड़ी मुश्किलों से लोग अपने इंस्टॉलमेंट चीजें डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाते हैं लेकिन उनको जो है प्लॉट नहीं मिले होते। ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरी जाती एडवाइस है दैट यू हैव टू वेट ओनली, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन बची नहीं आपके पास, क्या कर सकते, फाइल बेचेंगे इस वक्त मार्केट में जाएंगे वो फाइल से भी आपको बहुत पैसे छोड़ने पड़ेंगे। और जेन्युइनली रीजन ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने वो फाइलें अच्छे टाइमों पे प्रॉफिट पर खरीदी होती हैं, तो इसलिए मेरी जाती राय है, मैं आपको एडवाइस करूंगा ऐसे बड़े प्रोजेक्ट से अगर आपके पास फाइलें मौजूद हैं तो आप अपने पास होल्ड ऑन करें और ये डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स है जब उन्होंने इतना कुछ ऑलरेडी डिलीवर किया होता है, तो वो कैपेसिटी रखते हैं कि वो ये चीजें भी डिलीवर कर दें, टाइम लगता है एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं होता कि खाली थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा टाइम लेते होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन आपको प्लॉट मिलते हैं उस दिन से फिर आपके जो जितने सारे पुराने पैसे हैं ना वो प्रॉफिट समेत आपको वापस होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल मेरी एडवाइस यही है कि इन फाइलों को मत बेचें, अपने पास होल्ड ऑन करें क्योंकि ये नुकसान करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, अस्सलाम हाफिज़।